तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस आज हम टाइगर को लेके जा रहे हैं डॉग केयर, उसका चेकअप वगैरह करवाना है। 3-4 दिनों से जो है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रखा है, सबको जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। इवन वो कुछ खाना भी नहीं खा रहा है ठीक से, और खाने के अंदर उसके फेवरेट आइटम भी डाल के उसको दे रहे हैं तब भी वो नहीं खा रहा है। तो आज हम उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। वैसे गाइस पानी गर्म हो चुका है, और अभी टाइम की बात करूँ 10:18 हो चुके हैं। तो अभी फटाफट से नहाने के बाद चलते हैं, ठीक है? तो चलो नहा लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो लो जी गाइस, अभी फिर से प्लान चेंज हो चुका है, टाइगर को आज नहीं कल लेके जाना है। फिर गाड़ी का टायर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी का टायर ख़राब हो चुका है। तो लो जी गाइस, अभी यहाँ पर गाड़ी को जो है यहाँ पर लगा दिया है, और इस साइड से पापा भी कर रहे हैं गाड़ी का काम। जो है गाइस पापा जो है नीचे जा रखे और अंदर से चेक कर रहे कि क्या दिक्कत। तो गाइस अभी ये जो दो टायर है पापा लेके आए थे, तो उसको अभी हम चेंज करवाने जा रहे हैं। इसके टायर उसमें डलेगा। मैं और पापा जा रहे हैं, देखो गाड़ी का काम हो चुका है। अभी ये स्पेयर व्हील निकाल दिया और जो व्हील था वैसे वैसे लगा दिया है, क्योंकि हमने जो नए टायर लेके आए थे वो भी हमने नहीं लगाए। तो ये दोनों टायर जो है उसके अंदर भी पंचर वगैरह था, तो ये दोनों ही टायर लगाने लायक नहीं है। टायर जो है बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं थे, इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वो चल सके ज़्यादा टाइम तक, इसीलिए हम वापस दे देंगे। बाकी अभी साइलेंसर निकाल जाए। साइलेंसर क्यों निकाल है? तो ये जो पाइप है ये जितनी होनी चाहिए, मतलब इतनी सी होनी चाहिए, उसकी जगह ये थोड़ा और बड़ा है। इतनी सी पाइप होनी चाहिए उसकी जगह इतना बड़ा है, क्योंकि जब हम अहमदाबाद जा रहे थे तब ये जो है ना नीचे से गाड़ी लगी, जिस वजह से ये पाइप फट गया था। तो ये पाइप पूरा चेंज किया हुआ है और ज़्यादा लंबा डाल दिया है, तो उसने ये वाला पाइप थोड़ा ज़्यादा लंबा डाल दिया है, जिस वजह से एग्जॉस्ट जो है ना ठीक से रह नहीं रहा था। ये जो सारे इसके जो बूस्टिंग होते हैं वैसे खींचे हुए रह रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है ये एग्जॉस्ट रह रहा था, जिस वजह से नीचे जो है ना पूरा टकरा के टूट रहा था। फिर हम इसका एग्जॉस्ट का वेल्डिंग काम करवाना चाहते हैं। तो चलो हम चलते हैं ऊपर, बाकी खाना खाने के बाद मिलता है। तो अभी जो है पापा अकेले ही जा रहे हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट वेल्डिंग करवाने के लिए। मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैं नहीं जा रहा हूँ। ये जो है ना, मतलब मेरे पिछले ब्लॉग से अंदर देखा होगा ना, तो ये वाली लाइट ये पूरी ख़राब हो चुकी थी, इवन ये वाली भी। तो अब दोनों एकदम बढ़िया लग रही है, क्योंकि ये वाली लाइट पूरी हमने चेंज कर दी है। यहाँ पर सेम मॉडल की दूसरी लाइट लगा दी है, देख सकते हैं। ये तो भाई एकदम न्यू कंडीशन में है, ठीक है सेकेंड हैंड बट एकदम न्यू कंडीशन में है। और ये वाली वही पुरानी है, बट इसको हमने थोड़ा सैंड पेपर से थोड़ा रब करके और फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग लगाया, तो थोड़ा सा येलो में से वाइट हो चुका है। तो यस गाइस, अभी देखो पापा जो है साइलेंसर लेके आ चुके हैं, वेल्डिंग वगैरह करवा के लेके आ चुके हैं, और अभी शाम भी हो चुकी है और अभी वीडियो एंड करने का भी टाइम आ चुका है। सो आज की वीडियो करते हैं एंड, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।